अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्लूटीन इंटॉलरेंस। ग्लूटीन इंटॉलरेंस क्या होती है? ग्लूटीन के बारे में हमें ग्लूटीन इंटॉलरेंस को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लूटीन क्या होती है। ग्लूटीन जो है एक प्रोटीन है जो वीट में मौजूद होती है। साइंटिफिक नेम वीट का बाले राय है। इसके अलावा वीट जो है क्या होती है, वीट ये गंदम होती है और इसके अंदर ये ग्लूटीन प्रोटीन मौजूद होती है। सो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो गंदम से बनी हो, वीट से बनी हो, तो उसमें ग्लूटीन मौजूद हो। फिर पेशेंट्स जिनके साथ ये इशू होता है कि ग्लूटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जैसे ही वो ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं जिनमें ग्लूटीन मौजूद होती है, तो उनकी जो स्टमक है वहाँ पे डाइजेशन होती है ग्लूटीन की, और जैसे ही ग्लूटीन कंटेनिंग प्रोडक्ट इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन के लिए पहुँचती है तो वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन काज कर देती है। इस कंडीशन को कॉलिक्स डिजीज़ कहते हैं। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से इंटेस्टाइन के अंदर जो इंजाइम सिक्रीट होना थे डाइजेशन के लिए, वो सिक्रीट नहीं हो पाते, तो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते, उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी हमारी बॉडी में, तो इस तरह से ग्लूटीन इंटॉलरेंस हो जाती है। इसकी सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वोमिटिंग, इसके अलावा जो है पेशेंट्स का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट जो है इसमें पेशेंट्स को ये चाहिए कि वो ग्लूटीन फ्री डाइट यूज़ करें, ग्लूटीन प्रोडक्ट से अवॉइड करें और ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिनमें ग्लूटीन मौजूद ना हो, जैसा कि राइस हैं, कॉर्न हैं, पोटैटोज़ वगैरह हैं। पेशेंट्स को जो है ग्लूटीन को अपनी फूड से एक्सक्लूड कर देना चाहिए। इसके अलावा उनको चाहिए कि प्रॉपर मेडिकेशन यूज़ करें, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं अपना, ताकि ग्लूटीन इंटॉलरेंस से अवॉइड कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं कैफीन इंटॉलरेंस की। कैफीन एक बिटर केमिकल है जो कॉफ़ी, इनर्जी ड्रिंक्स और बेवरेजेस वगैरह में, मशरूबात में मौजूद होता है। सो ऐसे पेशेंट्स जिनके साथ कैफीन इंटॉलरेंस का इशू होता है, जब उसे कंज्यूम करते हैं तो कैफीन की जो है मेटाबॉलाइजेशन नहीं हो पाती। कैफीन की मेटाबॉलाइजेशन एक एंजाइम करता है जो साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज है, ये लीवर के अंदर मौजूद होता है और कैफीन की मेटाबलाइजेशन करवाता है। लेकिन इन केस जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पेशेंट्स कैफीन को टॉलरेट नहीं कर पाते, कैफीन की डाइजेशन नहीं होती, तो इस वजह से इंटॉलरेंसी हो जाती है। कैफीन जो है ये फैटीज को रिड्यूस करती है, यानी थकावट उतारने में मदद करती है एज इट इज़ अ स्टिमुलेंट। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैफीन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ख़ास अमाउंट में उनकी स्पेसिफिक कैफीन की कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। यानी कि कुछ पेशेंट्स जो हैं वो अप टू 400 मिलीग्राम ऑफ कैफीन कंज्यूम कर सकते हैं। सो ज़्यादातर जो है कैफीन इंटॉलरेंस की वजह यही होती है कि पेशेंट्स के अंदर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। सिम्टम्स में हमारे पास हार्ट बर्न आती है, यानी पेशेंट्स जैसे ही कैफीन वाली प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो उनको हार्ट बर्न होना शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी की फीलिंग्स आती हैं, इंसोमनिया हो जाता है, नींद की कमी वाकई हो जाती है, नर्वसनेस होती है और बेचैनी सी होती है उनकी बॉडी में, रेस्टलेसनेस। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो वही है कि ऐसे पेशेंट्स को चाहिए कि बेवरेजेस और ऐसी फूड जिसमें कैफीन मौजूद हो, जैसा कि टी है, चॉकलेट्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, उनसे प्रॉपर अवॉइड करना चाहिए ताकि वो बच सकें इन सारी कंडीशन से, इन सारी डिफिकल्टी से जो उनको फेस कर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर